तो जी बॉयज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है मेरे भाइयों का? आप लोग सब फिट हैं? आप लोग सब सेट हैं? यार बहुत टाइम से चैनल पे रिव्यू नहीं आया था, मैंने कहा रिव्यू ले आए, और रिव्यू लेके आया आपका भाई आज आपके लिए, आपकी विलीज़ का विलीज़। आप लोगों को पता है आपका भाई पिछले कोई 3-4 महीने से तैयार कर रहा है, किए जा रहा है। आज यार बॉयज़ ये होगी भी कम्प्लीट, और आपका भाई इसका रिव्यू ले आया, साथ ही साथ सिनेमैटिक्स बना दी बड़ी कमाल सी, उनको आप लोग इन्जॉय करें। Memphis, man. I'm on my way up. What's up? I'm on my way up. What's up? What's up? I'm on my way up. What's up? I'm on my way up. What's up? What's up? I'm on my way up. What's up? I'm on my way up. What's up? What's up? I'm on my way up. What's up? I'm on my way up. What's up? What's up? I'm on my way up. What's up? और अगर सबसे पहले हम लोग रिव्यू की तरफ आएं, गाड़ी के फ्रंट की तरफ, तो इसके अंदर आपको पता है विलीज़ की 42 मॉडल है, और इसके अंदर आपको पता है कि फ्रंट आता है बहुत डिफरेंट सा। इसका पूरा फ्रंट जो है वो आपके भाई ने चेंज कर दिया है, मीन लाइक जीप वाला फ्रंट डाल दिया है, साथ ही साथ जीप का लोगो भी है आप लोगों को नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर फ्रंट की तरफ आ जाएँ आप लोगों को, तो आप लोगों को DRL लाइट्स नज़र आएंगी बड़ी कमाल सी, जो कि पूरी प्रॉपर मॉन्स्टर लुक दे रही है इसको। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए साथ ही साथ ये विलीज़ के हम लोगों ने इसके लिए पार्किंग इशारे बनवाए हैं, और अगर आप नीचे आ जाएं तो फ्रंट के ऊपर हमने इसको जस्ट लाइक वो हैमर का बम्पर होता है, हम लोगों ने खुद मेटल में ये पूरा बम्पर बनाया है, और ऐसे बनाया है कि हमारी फ्रंट की लुक जो है वो बिल्कुल भी छुपे ना। टायरों के आगे खड़ा हुआ, टायरों की इन्फो बाद में दूंगा ताकि आप लोग रिव्यू को स्किप ना करें। साथ ही साथ अब अगर हम इसके फ्रंट के ऊपर आ जाएं तो हमारी लाइट्स के अंदर इंडिकेटर भी हैं, और इसके अंदर भी इंडिकेटर है, आपका भाई ऑन करता है और आप लोगों को चेक करवाता है। आप आगे रहें, चेक करें, ये चेक करें भाई, ये चेक करें इंडिकेटर, हेडलाइट में भी इंडिकेटर है और इशारों के अंदर भी इंडिकेटर है, ठीक है, ये पहला सीन है। साथ ही साथ अगर आप लोग आ जाएँ जी साइड पे आते जाएँ अगर आप लोग, तो आपके भाई ने इसको स्क्रीन दी है, ये स्क्रीन इस तरह से है, पोर्टेबल है कि जब आपका दिल करे आप इसको उठाएं, आपका दिल कर रहा हो मज़े लेने का मौसम का तो आप नीचे रखें, मज़ा बच बचा करना है सर्दी से या किसी धूप शूप से, हवा से, लॉन्ग अगर आपका रास्ता है तो आप लोग जीप को ऐसे उठाएँ इसको, और इसके क्लिप्स लगे हुए हैं उसमें इसको आप इस तरह से पूरा खड़ा कर दें ताकि आप ईज़िली हाईवेज वगैरह के ऊपर इसको ड्राइव कर सकें। अब अगर इसको नीचे करें तो आप लोगों के मेन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो टायर के आते हैं इसके, कि यार ये टायर किधर से लिए, टायर किधर से लिए, ये चेक करें सबसे पहले। तो आप लोग टायर इसको 17 इंच के अंदर डले हुए हैं, हर बंदा डालता है 15 के अंदर, जो इससे आइडेंटिकल होते हैं मिलते हैं, गुड्डी यही होती है पर 15 में होते हैं, 17 डालने वाली हिम्मत कोई नहीं करता। आपके भाई ने किया, 4 महीने से फंसा हुआ था आपका भाई इसकी कंट्रोलिंग सेट करने के लिए और सारा कुछ करने, बताएंगे नहीं हमने क्या क्या किया है, वो आप लाएंगे जीप तो फिर आप लोग पता चलेगा। अच्छा, ये 17 के अंदर ये टायर्स हैं, और इसकी जो विड्थ है ना, ये जो इसकी चौड़ाई है ये 18 JJ है, ठीक है, जो 15 में आता है ना उसकी तकरीबन कोई 12 JJ होती है विड्थ, और उसमें चाइना के रिम लगे होते हैं। हमें इसके लिए स्टीलीज बनाने पड़े, कस्टम स्टीलीज इसके लिए बने, और ये टायर ऑलमोस्ट टाइम कोई तकरीबन 18-20 इंच का हो गया होगा, स्ट्रेच हो गया सारा कुछ हो गया। तो प्राइसिंग भाई देगा एंड में, आप लोगों ने स्किप नहीं करना, आप लोगों को जोड़ के रखना है भाई ने। साथ ही साथ अगर आपको अली भाई लेके आते जाएँ आगे, अली भाई चेक कराएँ, ये अगर आप लोगों को स्टेयरिंग नज़र आएगा इसके अंदर, जो कि वन एंड ओनली स्टेयरिंग है, ये आपको किसी और जीप में किसी और गाड़ी में लगा हुआ नहीं आएगा। रीज़न क्या है, ये वो स्टेयरिंग है जो शिप्स वगैरह के अंदर आते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई पीछे वो नहीं होती गुड्डी शुड्डी या कोई वो, मतलब कि आप फिट कर दें, इसकी फिटिंग बड़ी ऑफिस ही होती है, इसलिए हर बंदा से आपको बता रहा भाई कि यार इसकी गुड्डियाँ शुड्डियाँ वो पता शेयरिंग की नहीं होती, तो इसलिए हर बंदा इसको लगाता नहीं, आपके भाई ने लगा दिया है, और चेक करें यार कैसा कमाल सा लग रहा है। साथ ही साथ अली भाई कहते हैं दूसरी तरफ से आएँ आप लोगों को इसका इंटीरियर चेक कराते हैं जीप का, आ जाए भाई। अगर आप लोग देखें तो अंदर आपके भाई ने कस्टम स्टिच की है सीट्स, इसकी हमेशा कस्टम करते हैं, आपको पता है हम काम, ऊपर हमने कुछ इस टाइप का डिज़ाइन दिया है, नीचे हमने डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन दिया है, डबल स्टिचिंग और बहुत ही अच्छी जो जैपनीज लेदर होती है स्क्रैचलेस उसमें हमने इसको कोशिश की है। अगर अली भाई ऐसे घुमाएं तो इसमें हमने इसको कंसोल भी दिया है जो कि हमने क्रॉस स्टिच के अंदर दिया है, और अगर साथ ही साथ इंटीरियर के ऊपर आ जाएँ तो आपको इंटीरियर के शिशके दिखाते हैं। ये आती है विलीज़ के अंदर ओरिजिनल लाइट्स आती हैं इसकी, ठीक है, ये मीटर पर पड़ने वाली आपके भाई ने फाइंड की है, स्पीडोमीटर है, वाटर टेम्परेचर है, वोल्टेज है, फ्यूल है, और ये आपका एम्पेयर मीटर, और ये सारी की सारी चीज़ें वर्किंग है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका आपको अगर शशका दिखाऊं तो एक ये शशका है और एक इधर शशका है, अली भाई आगे जाएंगे तो मैं आपको शशका चेक कराता हूँ, लाइटें चेक कराएंगे इसकी। सबसे पहले ये चेक करें भाई, ये पूरा दिन हो गया
उसके बाद ये चेक करें जी, इसको प्रेशर हॉर्न दिया आपके भाई ने पूरा प्रॉपर, और लाइटें ये सारी इसकी हैं, ये थोड़ा दूर जाके लिए भाई सारी लाइटें दिखा, ये सीन है बॉयज के लिए। तो नहीं बॉयज चेक किया आपने भाई ने शीशे कैसे दिए, टायर दिए ऊपर, लाइट दी है, साथ ही साथ इसको प्रेशर हॉर्न भी दिया है, ये फुल्ली बदमाशों वाली जीप आपके भाई ने तैयार कर दी। साथ में आपके भाई ने इसको राउंड ये मिरर्स दिए हैं जो कि मेटल हैं, ये भी बड़े रेयर हैं, बहुत कम मिलेंगे। फ्रंट के ऊपर इसका एक ये आपको नजर आएगा लैंप्स है जो कि बहुत डिम होता है, ये जब पुराने ज़माने में जंगे होती थी तब यूज़ होता था, तो हमने वैसे ही रखा। साथ ही साथ अगर आप लोग आते जाए तो गाड़ी को हमने मैट ग्रीन कलर का आर्मी पेंट की है, आर्मी पेंट के साथ साथ ये देखें फेंडर फ्लेयर्स कस्टम आपके भाई ने पूरी बनवा के इसको लगवाई है जीपों के, यार इसके साथ जो सूट करें। बैक के ऊपर भी टायर की वही प्रोफाइल है जो फ्रंट के ऊपर प्रोफाइल है, 17 इंचेस और 18-20 जेजे वाइड वाली। साथ ही साथ चलते हुए आए आपको शीशे के बाकी दिखाएं, तो बैक के ऊपर आपके भाई ने इसको लावा लाइट्स दी हैं, लावा लाइट्स दिखाएंगे लिए भाई आप लोगों को। इसके अंदर इसका इशारा भी है और इसके अंदर इसकी रिवर्स भी है। साथ ही साथ चलते हुए आए तो जी बिल्ड बाय टीम प्रोजेक्ट का, और ये बड़ा ज़रूरी था, हर बंदा पूछता है किधर से तैयार हुई है। और इसके अंदर एक और शीशा आपके भाई ने दे दी है, इसको डुअल एग्जॉस्ट दे दी है बॉयज, चेक करें यार डुअल एग्जॉस्ट, और दोनों चल रहे हैं इसका भी, आपको भाई साउंड भी चेक करवाता है, जुड़े रहना साथ, आप लोगों को भाई भी प्राइसिंग भी देता है। भाई साथ ही साथ ये चेक करें, इसको एक एंटीना भी दी है हम लोगों ने, ये चेक करें कैसी फील मार रहा है, मीन लाइक दूर से अगर आप लोग देखें तो ये ज़रूरी चीज़ें थी जो पूरी ज़रूरी थी इसकी। साथ ही इसका फ्यूल कैन होता है इसका, और बैक की सीटें भी यार ये देखें, हमने बैक की सीटों के अंदर भी पूरी स्टिच दी है स्ट्रेट किस्म की, क्योंकि बैक की सीटों को लोग इतना नहीं करते, अंदर से भी सारी हमने पूरी लेदर इसको जो है ना रैगजिंग पूरी कोशिश कर दी है। साथ ही साथ मैं अभी आपको इसका एग्जॉस्ट ऑन करके आप लोगों को इसका साउंड चेक करवाता हूँ, और इंजन स्पेक्स भी बताता हूँ, और आप लोगों को जीप की प्राइसिंग भी देता हूँ, तो आप लोग साथ रहें। साइलेंट कर दिया आइडल के ऊपर, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि एग्जॉस्ट लगा है, और इंजन के स्पेक्स की तरफ आ जाए तो आगे आते हैं गाड़ी को बंद करने का। अंधेरा शाम पड़ गई, मैं अंदर नहीं बैठ सकता गाड़ी के, आप लोगों को आगे बैठ के इसकी सारी की सारी भाई स्पेसिफिकेशन देता है कि क्या सीन है, क्या प्राइसिंग है। तो आप लोगों को भाई शुरू करता है सबसे पहले जीप की प्राइस के साथ, ये है विलीज बॉयज। विलीज मेरे ख्याल से कोई शुरू करें आप तो 5-7 लाख की आपको मिल जाती है नॉर्मल हालत के अंदर, ठीक है। विली सबसे पहले आप बाय करें, उसके बाद दूसरा काम होगा इसमें इंजन डालना, हमने डाला 3SFE 2000cc जो कि अच्छा चल रहा है, जिन भाई को दे रहे हैं उनका यूज़ जितना है उस लिहाज से ठीक है, पर मैं जो है इसके अंदर आप लोगों को वो मतलब करूँगा कि आप 6 सिलेंडर डालें, V6 ज़रूर डालें, क्योंकि जैसा मेरा मज़ा है कि ड्रिफ्ट शिफ्ट वगैरह कुछ ऐसा भी हो तो वो वाला सीन भी होना चाहिए। तो अगर आप प्राइसिंग की तरफ रहें तो 5-7 की आपकी जीप होगी। इंजन 3SFE भी अगर आप डालें तो 2.25 का इंजन हो गया, स्वैप करते हुए 3-3.5 किधर बात पहुंच गई आपकी, 10 तक बात पहुंच गई। और सबसे बड़ा आप लोगों का क्वेश्चन है ये टायरों की प्राइस क्या है, बहुत सारे आए हैं क्वेश्चन हमें, ये टायर यार दो ही सेट पड़े हुए थे, एक आपके भाई ने उठाए और एक और भाई है उन्होंने उठा लिया हुआ है। तो टायरों की प्राइस जो है उस टाइम डॉलर रेट के लिहाज से कोई 5 और 6 के लगभग बीच में हम लोगों को पड़ी थी, मंगवा के बीच में शिपिंग डाल के फिटिंग करके ना, तो आप ये देख लें यहीं पर 1.6 मिलियन हो गया है। उसके बाद पेंट करनी है, ठीक है, अच्छा पेंट आपको पता है बूथ में किस प्राइसिंग के अंदर होता है, 100 के कहीं नहीं गया, ठीक है, 1.7 मिलियन हो गया, 1.7 मिलियन पर आपने इसका इंटीरियर करना है, आपने ये शशके वाली सारी जितनी भी लाइट्स हैं आपने वो इंस्टॉल करनी है। तो अगर मैं इसको मतलब इसको सारा वाइंड अप करूं प्राइसिंग, तो ये ऑलमोस्ट कोई 2.2 मिलियन तक जो है ना ये जीप इस टाइम कॉस्ट कर रही है, ठीक है। और बाकी आप लोगों का जो दिल करे भाई को वो आप लोग दे सकते हैं ऊपर। तो अगर तो आप लोगों को जीप पसंद आई है और भाई का रिव्यू पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।